नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर मैंने संस्कृत साहित्य में गजल का विकास इस विषय को लेकर 3 व्याख्यान दिए हैं, जिसमें मैंने संस्कृत के प्रमुख गजलकारों का परिचय देते हुए संस्कृत गजल की विशेषताओं की, प्रवृत्तियों की चर्चा की है। समय समय पर मैंने संस्कृत में लिखी हुई अपनी स्वयं की गजलें भी इस चैनल पर प्रस्तुत की हैं। आज मैं एक और गजल अपनी प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका शीर्षक है कनके सुवासः। कनक सोने को कहते हैं। कनके सोने में सुवास सुगंध। यह इंद्र वज्रा छंद में लिखी हुई है। 4 ही इंद्र वज्रा छंद इसमें हैं और इंद्र वज्रा छंद के प्रथम द्वितीय चरणों को मिलाकर गजल के शेर का पहला चरण और तृतीय चतुर्थ चरणों को मिलाकर गजल के शेर का दूसरा चरण माना जाए तो यह 4 शेरों की एक गजल कही जा सकती है। अन्यथा इसको कुलक भी कह सकते हैं। इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। क्षेत्रे सुवीजे समयेन तूप्ते कष्टेन कृष्टे किल कर्षकेन कालेन शस्ये परिपच्यमाने संजायतेस्मिन् कनके सुवासः। समय पर खेत में अच्छा बीज बोया, कृषक ने कष्ट उठाकर उसको जोता। समय आने पर जब पकती है फसल, उठती है भीतर से सोने में सुगंध। यह पहला शेर जिसको आरंभिका कहते हैं और मिश्रा कहते हैं। दूसरा इसका शेर है, दूसरा मिश्रा है, शब्देषु शब्दान् मिलितांस्तुषांस्तान् पुनामि भूयः स्वमनश्चलन्या गीते मदीये खलु तेन साक्षात् संजायतेस्मिन् कनके सुवासः। शब्दों में मिल गए शब्दों के भूसे को, छानता हूं मन की चलनी से। चलन से चलनी शब्द संस्कृत में बनेगा, यद्यपि यह तितौ जिसको कहते हैं संस्कृत में उसके अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है, पर बना लिया गया है। हिंदी में चलनी छानने के लिए जो फिल्टर है उसको कहा जाता है। शब्देषु शब्दान् मिलितांस्तुषांस्तान् पुनामि भूयः स्वमनश्चलन्या गीते मदीये खलु तेन साक्षात् संजायतेस्मिन् कनके सुवासः। शब्दों में मिल गए शब्दों के भूसे को, छानता हूं मन की चलनी से, तब मेरे गीत में सचमुच उठती है सोने में सुगंध। तीसरा मिश्रा है, शेर है, इदं वपुः कांचन पद्म तुल्यम् नालंकृतम नैव सुगंधलिप्तम् कथम नुभो सुंदरि किन्तु जातः काये तवास्मिन् कनके सुवासः। यह काया कंचन के बने कमल सी, बिना किसी गहने के अनछुई महक से, फिर भी सुंदरी कैसे इसमें उठती है सोने में सुगंध।
अनुवाद गजल के बंद में नहीं किया गया है, स्वतंत्र अनुवाद है, संस्कृत के जो छंद है वो गजल के बंद में कहे जा सकते हैं। अंतिम जो है, दृष्टम मुहुश्चंदन तुल्यमेतत् कष्टेषु पाषाण शिलासमेषु तस्मादयम् वल्लभतेन जातः चित्ते तवास्मिन् कनके सुवासः। चंदन की तरह घिसा यह मन कष्ट की पाषाण पट्टियों पर, इसलिए वल्लभ इसमें उठती है सोने में सुगंध। ये कुलक भी कही जा सकती है। अभिनव गुप्त ने घटकर पर काव्य को कुलक काव्य कहा है। चार इंद्रवज्रा छंदों का कुलक भी इसे कहा जा सकता है, अन्यथा इसमें मक्ता, मतला और दो मिसरे बीच के, जिसको मध्यिका कहा जाता है, वो चार ही शेर कुल मिलाकर हैं। चाहें तो इसे गजल भी कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।